हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो आपका टेंथ क्लास का जो टॉपिक है, यानी कि टेंथ क्लास की जो आपकी बुक है, जैसे एक फर्स्ट फ्लाइट है और फुट फ्लाइट विदाउट फिट है, दो बुक है। उनमें से जो पहली बुक है उसमें से हम पांच क्वेश्चन देंगे आपको, और पांच क्वेश्चन उस बुक से मिलेंगे आपको, और तीन क्वेश्चन आपके पोइम के रहेंगे। उनसे बाहर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आएगा, हमारे प्रोमिस आपसे। तो ये जो क्वेश्चन है मैं डाल रहा हूँ, ये अपनी नोटबुक पे अपने लिखना और बड़े तरीके से आसान लैंग्वेज में मैंने डाले हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। बड़े तरीके से इनको लिखना, दो चार एक लाइन आप छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल्कुल देखो आप कितनी है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लाइनें हैं। 6 लाइन में कोई 5 लाइनें आपको लर्न करनी है। ऐसे ही 5 क्वेश्चन आपके इस बुक से आएंगे और ऐसे ही 5 क्वेश्चन मैं उस बुक से दूंगा। छोटे क्वेश्चन का भी इसी के अंदर से आपका एग्जैक्ट रहेगा, उसमें आपको पता है वैसे दिल कौन था, उसके ब्रदर सिस्टर कितने थे, ये सारे आपको पता है। तो आइएगा देखिएगा क्वेश्चन में क्या है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको देखना, ये नहीं देखना है, बट लेसन डू यू ड्रा फ्रॉम दिस स्टोरी, स्टोरी से जो लेसन है, ये इस कहानी से क्या लेसन है, ऐसे कुछ आएगा आपको बड़े क्वेश्चन में, ये लेसन का नाम दिया जाएगा। तो आइए देखिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला हमें क्या है, वी ड्रा मैनी लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी, बहुत से लेसन है दिए गए हैं इस जो कहानी, जो हमारी जो फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है इस कहानी से, और काफ़ी स्टोरियाँ इस लेसन में ज्ञान की पार्ट से। एट द फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या देखेंगे फर्स्ट में क्या है, बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले तो आपको बिलीव होना चाहिए अपने आप में, योर सेल्फ होना चाहिए। द यंग सेगल, एक मेन करेक्टर है इसके अंदर, जो ये सेगल है एक पक्षी है, समुद्री पक्षी आप बोल सकते हैं सेगल को, आपको पता है। और द यंग सेगल डिड नॉट बिलीव इन हिज कैपेसिटी टू फ्लाई। देखो कितना आसान बना रखा है, बिल्कुल आसान है, ये आपको पता था। यंग सिंगल, इसके बाद में डिड नॉट बिलीव, उसको विश्वास नहीं था इन हिज कैपेसिटी, अपनी योग्यता में टू फ्लाई, कि वो उठ सके। एक ही लाइन में देखो कितने आसान, अगर आप याद करोगे तो बिल्कुल, द यंग सिंगल डिड नॉट बिलीव इन हिज कैपेसिटी टू फ्लाई। और सेकेंडली फिर वो क्या सोचता है, नेवर फेल टू मास्टर आप कर्स। अगर सेकंड में हम बोलेंगे कि नेवर, कभी नहीं फेल होता द मास्टर, हेल्प द कोर्स, अपना अगर हौसला होता तो कोई फेल नहीं, कभी नहीं होगा। द यंग सेगल शुरू में, इंटेंशनली का मतलब इसका जो मीन होता है, इंटेंशनली का मीन होता है स्टार्टिंग में या शुरू में, बोल सकते हो आप हिंदी में मीन से बोलो, तो शुरू में क्या करता है सेगल, फेल टू ए मास्टर्स अप कोर्स। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में क्या कर देता है, वो खो देता है अपना हौसले को, खो देता है फॉर इज फर्स्ट फ्लाइट, पहले फ्लाइट होती है वो अपनी सेकेंडली में खो ही देता है अपने फ्लाइट को। दूसरी और थर्ड, डोंट फील फ्लाइट फ्लाइट, द यंग सेगल्स ऑलवेज स्क्रीम्ड, हमेशा ही चिल्लाता रहता था, बोलता रहता था, कुछ शुरू में उस एक्टिविटी करता रहता था। तो विद फाइनली एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर फैमिली, फाइनली वो एडवाइस देता है अपनी फैमिली को, क्या फैमिली एडवाइस देती है उसकी जो परिवार है। द यंग सेगल्स शुरू में डिड नॉट एक्ट ऑफ द एडवाइस ऑफ हिज फैमिली, स्टार्टिंग में वो मानता नहीं है, बाद में उसको पता चल जाता। ये क्वेश्चन है बिल्कुल 5 लाइन का क्वेश्चन, बिल्कुल सेगल की बात की है, और स्टोरी के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप मेंशन कर सकते हो क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन से बार कुछ भी नहीं आएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बिल्कुल 4 मिनट की वीडियो, 4 मिनट में आपको सारा कुछ करवा दिया गया है, 4 मिनट में, बाकी 1-2 मिनट तो मैं बोल रहा हूँ और उसके बाद में जो क्वेश्चन मैंने करवाया है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेजेज में है, आपको जरूर करना। और अगर कोई भी किसी भी लेसन है, अगर आप 10+2 में, अगर बी ए में, अगर आपका भाई ब्रदर कोई भी बी ए से, एम ए से, अगर कोई भी क्वेश्चन बनवाना चाहता है या फिर कुछ भी होना चाहता है, हमारे चैनल पे कमेंट द्वारा लिखिएगा, वही उसी का क्वेश्चन आ जाएगा। ग्रामर से रिलेटेड किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है, ये 10th क्लास का हो, 9th क्लास का हो, 8th क्लास का हो, 2+2 क्लास का हो, या फिर बी ए का हो, उसको स्पेशल हम क्लास बना देंगे। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब।